और मेरठ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप के मुताबिक पॉलिटेक्निक कॉलेज के एचओडी ने छात्राओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। छात्राओं का आरोप है कि एचओडी अरुण कुमार ने उनसे कहा कि सुंदर छात्राएं यहां रुके और बाकी बीएससी कर ले। इसके बाद 78 छात्राओं को एक साथ फेल भी कर दिया गया। एचओडी के इसी बयान पर बवाल मचा, जहां पर एक ओर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मैनेजमेंट का घेराव किया, वहीं दूसरी ओर ये शिकायत शिक्षा मंत्री तक भी पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने एचओडी अरुण कुमार को सस्पेंड करने के आदेश दिए। वहीं छात्राओं ने गलत कमेंट पर थाना दौराला में भी विघवागा अध्यक्ष अरुण कुमार के खिलाफ तहरीर दी है। एचओडी बोले हैं कि जो मतलब कि तुम चली जाओ बीए कर लो, और जो सुंदर लड़की है उसको बोले हैं कि तुम यहीं पे पढ़ो मेरे पास, और ऐसे भी बोले हैं कि तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा तुम लोग रहोगे तो। कुछ लड़कियों को बोले हैं बीए कर लो, जो सुंदर नहीं रहेगा उसको पढ़ने का हक नहीं है, नहीं है जो सुंदर है उसको ही पढ़ना है। सीएस के एचओडी बार ये कहे जा रहे थे कि नहीं तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब कुछ लड़कियां थी जैसे मैं थी, दीपाली वगैरह थी, और इन लड़कियों को बोल रहे थे कि तुम लोग जाओ बीए बीएससी करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर ये तो कोई बात नहीं होती, सुंदरता से तो पढ़ाई नहीं होती ना, तो पढ़ाई होती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, ये पूरा मामला है क्या, कहां से इसकी शुरुआत हुई और अब इस पूरे मामले को लेकर क्या एचओडी के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन? अब देख सकते हैं अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है यहां पर लड़कियों का, और ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 अपने आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से लड़कियां आक्रोशित हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एचओडी के जो अशोभनीय टिप्पणी है उसको लेकर ये पूरा यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मुख्तार सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज है और यहाँ पर लड़कियां हंगामा कर रही है। बताए किस चीज को लेकर हंगामा कर रही है? सर हमारा ईयर बैक लग गया है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमारे बैक लगे थे, फिर इस टाइम तो पूरा ईयर बैक ही लग गया है, हम लोग को फेल कर दिया गया है। हमने ही कॉपी अच्छा लिख के आया था, ऐसा तो नहीं है कि मैंने एकदम भी नहीं पढ़ा था, जीरो मार्क्स हम लोग को सर बोर्ड ने दिया है, हम लोग उतना लिख के आते थे। फिर जो सुंदर लड़कियां हैं वो यहाँ पढ़ेंगी, जो सुंदर नहीं है वो जाके बीए और बीएससी करो, सुंदर जो सुंदर नहीं है उन्हें पढ़ने का हक नहीं है क्या, या वो बताएंगे कि जो सुंदर है वो ही पढ़ेंगी सिर्फ? बताएं इसके बाद जब आपने इसको विरोध किया तो फिर क्या कहा, एचओडी ने अपनी गलती मानी? नहीं सर, वो तो आते ही नहीं है और वो छुट्टी ले लेते हैं और आते ही नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले? हाँ, सस्पेंड ऑर्डर गया है उनके पास और अभी तक तो एक्शन नहीं लिया गया कोई भी। इतने पे आक्रोश खत्म, अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? सर हम लोग को अब निःशुल्क रीचेक कराना है बस, हमारे क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पैसा दे के अपना रीचेक फॉर्म डाला था, मैथ में 16 नंबर था, 500 मैंने लगाया लेकिन 16 से 17 नहीं हुआ, तो अब किस बेस पे हम पैसा दे के हमारा अब 14 से 17 हो जाएगा। देखिए दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो सबसे पहला मुद्दा ये है टीचर की अशोभनीय टिप्पणी, और ये हुआ तब जब लड़कियां अपनी टीचर के पास गई, उन्होंने कहा कि हमारे 78 लड़कियों के जो मार्क्स हैं वो जीरो के आसपास हैं, उनको फेल कर दिया गया है। इसी बात पर टीचर बोले कि जो सुंदर लड़कियां हैं वो यहीं पढ़ो और बाकी सब बीए और बीएससी कर लो, तो इसी बात को लेकर आक्रोश है। यहां पर टीचर को सस्पेंड करने की कार्रवाई कर दी गई है और उसके बाद भी आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, तो ये मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो छात्राएं यही कह रही हैं कि भाई उनकी कॉपी का रीचेक करवाया जाए क्योंकि जीरो मार्क्स मिल ही नहीं सकते, उन्होंने अच्छी तरीके से परीक्षा दी, और साथ ही साथ एचओटी पर भी कार्रवाई की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ।